नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। जिला माही एक महीना में 5 नकली बम मिले के बाद सनसनी के साथ साथ दहशत फैली है। अपना को बताई दी की सुहागी, हनमना, मऊगंज, मनगवा थाना क्षेत्र में नकली बम रखे के बाद दहशत फैलावे के प्रयास कीनगा, जहां पुलिस पूरे मामले के जांच पड़ताल करत रही है। तो है गत दिना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नाम से टाइप कीन एक पत्र मिला है, जोने माही तथा कथित सुचिंतक 10 फरवरी का कलेक्ट्रेट तथा 15 फरवरी का ही जिला न्यायालय में बम ब्लास्ट करे के सूचना दीन। अपने बताई कि इस शुभचिंतक के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उमा सावधान और सतर्क रहा जैसा बात कीन गई है। वहीं इस अलगे घटनाक्रम के संबंध सीमी आतंकवादी संगठन और छत्तीसगढ़ के नक्सली के करीबी मुस्ताक और सोनू उर्फ अस्फाक पीटीएस चौराहा के बताई जाला ही जोनमेर से यह पत्र अधिकारी और मीडिया कार्यालय का भेजा गया है, उसे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं। हालांकि सूत्रन के माना जाए तो पुलिस उत्तर प्रदेश के मेजा से कुछ संदेहिन का गिरफ्तार करी नहीं, जोने के पूछताछ की जाला ही माना यह जाला है कि पुलिस जल्दी ने दहशत गर्दन के फैलाई जाए वाली दहशतगर्दी के खुलासा कर सकत है। आई सुनाए थे ये मामला में ही एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा का जानकारी दी। अखबार के कार्यालय में एक खत आया है, क्या है मामले से? हाँ, अखबार के कार्यालय में आया है और भी कार्यालय में खत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इस तरह का खत आया है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा और जिसका कुछ नाम डला हुआ है और उससे कुछ ऐसे पत्र में जिसमें नाम नहीं डला हुआ है अज्ञात नाम से एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए ऐसा पत्र लेख किया गया है जो अभी घटनाएँ घटित हो रही थी और उन्हीं घटना के परिप्रेक्ष्य में कि घटना ये व्यक्ति करा रहा है। पुलिस ने उन मामलों को संज्ञान में ले लिया, जांच में ले लिया है और संज्ञान में लेकर जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस युवक के द्वारा खत भेजा गया है उसने जिस व्यक्ति का जिक्र किया है कि ये आरोपी हैं, इनके द्वारा डमी बम प्लांट किए जा रहे थे और उसने ये भी लिखा है कि इन्हीं के द्वारा कलेक्ट्रेट में और जिला न्यायालय में धमाका किया जाएगा 10 और 15 फरवरी में। ठीक है, उस पत्र में इस तरह का हुआ है कि पुलिस ने उस मामले को सबको संज्ञान में ले लिया और सबकी जाँच की जाएगी, जो भी तथ्य निकल के आए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसका जिक्र है आरोपी के तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया? अभी नहीं, पहले उन पत्रों के संबंध में पुलिस जांच करेगी, सत्ता पर आने पर उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन की अगली खबर में ही रीवा लोकायुक्त पुलिस रिश्वतखोर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भरेवा के कनिष्ठ यंत्री का गिरफ्तार करी नहीं। मैं अपना का बताई दी कि आरोपी 40,000 रुपया के रिश्वत मांग कर रहे हम। यह कार्रवाई इंदवार स्थित आरोपी के किराए के मकान में कीन गए। वहीं लोकायुक्त पुलिस ये कार्रवाई का गुरुवार के बिहार में कमलेश कुमार त्रिपाठी कनिष्ठ यंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व वितरण कंपनी लिमिटेड भरेवा का रंगे हाथ गिरफ्तार करी नहीं। शिकायतकर्ता विनीत कुशवाहा निवासी मदाइन टोला टिकुरी थाना इंदवार के बताए जात हम, जौन आरोपी का ही ट्रांसफार्मर लगवावे के बदले रिश्वत दिए रहे हम। पकड़ा गया है, उसमें लोकायुक्त में क्या कार्रवाई हुई है? ये मदाई टोला निवासी एक फरियादी हैं विनीत कुशवाहा, उनके द्वारा जो है शिकायत की गई थी रीवा लोकायुक्त कार्यालय में कि वहाँ के जो यंत्री हैं इंजीनियर साहब जो है वो ट्रांसफार्मर लगना था गाँव में अतिरिक्त, उसकी उन्हें शुल्क वगैरह और सारी चीज़ें जमा करा दी थी, तो वो 50,000 रुपये पैसों के अंदर डिमांड कर रहे थे गाँव में। उस जब बातचीत जब उनकी हुई तो 40,000 में पूरा मामला सेट हुआ था, उसी एवज में उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी तो हमने उसका सत्यापन कराया, शिकायत कर वो सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है कमलेश त्रिपाठी हैं बिजली विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता, उनको जो है उनके घर पर 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग के द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। बुलेटिन की अगली खबर में ही पीड़ित के पिता राम प्रकाश शर्मा बताएं कि वो ग्राम खौर के रहे वाले आई, वो ये बताएं कि उनका बेटा ब्रजेश कुमार जिनकर ससुराल बरहट सीधी में है वो तिलक कार्यक्रम में गए रहे, जहां उनका सुदर्शन पांडे उर्फ रामू शेष मर शुक्ला और संतोष अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर पहले था शराब पियाई और उसके बाद युवक के साथ मारपीट करके उनका रुपया और अंगूठी लूट ली। वह युवक के पिता यह आरोप लगाए कि युवक के पत्नी और बच्चन का बंधक बनाए के रखा गया है, जोने के कारण युवक क्षुब्ध हो के आत्महत्या के प्रयास करे। एकला ने युवक के पिता पुलिस प्रशासन से मदद के गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा। कहाँ से आए आप? ग्राम खौर। बताइए क्या समस्या? ये है कि मेरा लड़का ब्रजेश कुमार शर्मा की ससुराल, हाँ, ससुराल ग्राम बरहट है जिला सीधी जी भगवार से करीब 20 किलोमीटर दूर में है, तो हमारे बच्चे की शादी का तिलक जाना था 30 तारीख को, तो बच्चे ने 30 तारीख को तिलक में गया, वहाँ पर श्री सुदर्शन प्रसाद पांडे उर्फ रामू पांडे और शेषवन शुक्ला संदीप शुक्ला और बहुत अन्य व्यक्तियों ने
हमारे बच्चे को नशीली दारू पिला करके अब बेहोश कर दिया। जब हमारा बच्चा बेहोश हो गया तो स्वाभाविक है कि गाली गलौज उस प्रकार वातावरण हमारे लड़के ने किया। तब हमारे लड़के के जेब में 20,000 रुपया एक आधा तोला की अंगूठी थी, छुड़ा लिए, बहुत मारे और गाड़ी में बिठा कर 4-5 आदमी ले आकर मेरे घर में पटक दिए। मेरा लड़का चिल्लाता गया कि मेरी पत्नी और मेरे लड़की और मेरे बच्चों को मेरे साथ में भेज दो, लेकिन उनने हमारे लड़के की पत्नी और बच्ची और पुत्र को है किडनैप करके रख लिया। मैं 3 दिन से बराबर फोन कर रहा हूँ कि हमारे नाती पोता बहुओं को भेज दो, लेकिन हमारा लड़का वर्णाश्रम में है, लेकिन हमारा उसको उनने भेजा नहीं। तब हमारे लड़के ने फिर से दुखी होकर है आत्महत्या करने का प्रयास किया, जान चली जाती, नहर में कूद गया था है और पता नहीं कौन सी उस दिन का नशा था। तो इसकी कार्रवाई की जा, उसको गम में डूबा हुआ है। आपके बच्चे का क्या नाम है? हमारे बच्चे का नाम ब्रजेश कुमार शर्मा, पिता राम प्रकाश शर्मा। मारपीट करने वाले कौन है, ग्रामीण लोग हैं कि ये ग्रामीण लोग ना है? हाँ ग्रामीण लोग, ससुर हैं, हाँ। साले हैं और ससुर के सारू भाई हैं है? और सारू भाई की पत्नी, सब मिलके इन लोगों ने बहुत मारा है और बहुत अपमान किया है, जिससे हमारे लड़के को विशेष सदमा पहुंचा है। ठीक ठीक, उसकी जान भी जा सकती है, इसका जिम्मेदार। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम खौर। कौन सा थाना लगता है? थाना सिविल, थाना बिछिया, थाना बिछिया जिला रीवा। इसकी शिकायत आपने की है थाने में? थाना अभी हमने 2 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट कराया। ठीक है, कौन से गांव से हैं? ठीक, क्या हुआ है बता लीजिए, आप देख लीजिए। कौन मारपीट किया है? रामू पाड़े सुदर्शन, वो सुदर्शन हमारे साथी में लात मारा, हमारा पैसा छड़ा लिया। क्या पैसा? क्या क्या छड़ा लिया? हमारी मिसेज के लिए अंगूठी ले गए थे आधा तोला की, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। आपको क्या पिलाए हैं नशीली? पता नहीं क्या पिला दिया साला वो। किसमें मिला के पिलाए? किस चीज़ में? बोला सर ठंडा है, दमाद थे अकेले, दमाद थे मैं, अकेले दमाद दिया था 3-4 लड़कियों ने। कलेक्टर लेस इसके साले को ना जाए सब बंद चलते कहा। किस कारण से? अब हो गया सच की आवाज़ उठाने से क्या होता है, सच की आवाज़ उठानी देख रहे हमारी हालत कार बुक कर। अच्छा हुआ कि एक सज्जन व्यक्ति ने हमारे माँ बाप को पता दे दिया। बुलेटिन के अगली खबर मोरबा से रही, जहां कुछ दिन पहले नकाब पोस्ट लुटेरा झारखंड यूपी से आने वाले ट्रकन का, जो उनके रोड के किनारे खड़े रहे, उनसे बेखौफ लूटपाट करी और गाड़ी से डीजल चुराए लेन। घंटन या तांडव चलत रहा, पर गश्त के टीम का ही ये बड़ी वारदात के भनक तक नहीं लाग। वहीं ड्राइवर दूसरे राज्य से रहे, ऐसे कौरमेर से पुलिस का शिकायत उन्हें दर्ज कराई। वहीं घटना के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हड़कंप मचा है। मामला का तूल पकड़ देख के TI मोरबा मनीष त्रिपाठी टीम गठित करके वाहनन के नंबर के जरिए झारखंड के ड्राइवर से पूछताछ करी, तब मामला की जानकारी मिली। लूटे वाले नकाब पोस रहे, ऐसे पुलिस का खासी मशक्कत करे पड़ा। अपना बताए दी की मोरबा पुलिस दावा करे की वारदात में ही 5 आरोपी शामिल हमा। ताज खातिर बघेली बुलेटिन में दे इजाजत, तब तक लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।